हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धाकर डिफेंस एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे भारतीय वायुसेना 2020 के जो एग्ज़ाम चल रहे थे अभी 4 से 8 नवंबर तक, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स रिजल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट डेट क्या होने वाली है, कितने दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, ये अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहां पे रिजल्ट के बारे में जानेंगे और फ्रेंड्स कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, इस बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और फ्रेंड्स, अभी अपन रिजल्ट की बात करेंगे यहां पे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। यहां पे फ्रेंड्स देखेंगे अपन लास्ट टू बैचेस 02 ऑफ 2019 एंड 01 ऑफ 2020 का अपन बैच यहां पे देखेंगे कि इन लास्ट टू बैचेस का जो रिजल्ट था वो कब आया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के बेसिस पे अपन एकदम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड्स 2 ऑफ 19 के बैच के बारे में, तो यहाँ पे जो है एग्ज़ाम जो हुए थे 13 से 16 सितंबर के बीच हुए थे फ्रेंड्स। यहाँ पे 13 से 16 सितंबर को हुए थे। एंड बात करें रिजल्ट की, तो फ्रेंड्स रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे 9 अक्टूबर को आया था, यानी फ्रेंड्स 13 से 16 सितंबर के बाद 9 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कितने दिन बाद यहाँ पे रिजल्ट आया आप देखेंगे, तो 16 के बाद कितने दिन बचे, 14 सितंबर में बचे 9A, तो यानी 14 प्लस 9, तो कितने दिन बाद आ गया ये रिजल्ट, यानी लगभग 23 डेज के अंदर यहाँ पे रिजल्ट आ गया था 2 ऑफ 19 बैच का। अगर बात करें अपन फ्रेंड्स 1 ऑफ 20 के बारे में, तो फ्रेंड्स 1 ऑफ 20 के जो एग्ज़ाम हुए थे वो हुए थे आपके 14 से 17 मार्च 2019 में। तो 14 से 17 मार्च 2019 में हुए, तो जिन रिजल्ट जो आया वो आया आपका 9 अप्रैल, यहाँ पे कितने को आया 9 अप्रैल को। तो अगर फ्रेंड्स बात करें मार्च में, तो यहाँ पे 13 डेज यहाँ पे बचे एंड 9 अप्रैल, तो 9 यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्रॉक्स जो डेट दिन हुए यानी 13 और 9 21 दिन, यानी यहाँ पे 21 दिन के अंदर आया। तो लगभग फ्रेंड्स पिछले वाले बैच में 23 डेज के अंदर आया था और अगले वाले बैच में 21 के। तो फ्रेंड्स अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लास्ट टू बैचेस का जो रिजल्ट था वो आपका 21 से 25 डेज के अंदर ही आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी फ्रेंड्स अपन बात करें लास्ट टू बैचेस के अकॉर्डिंग, तो रिजल्ट ऑफ 1 ऑफ 2021 है जिसके एग्ज़ाम 4 से 8 नवंबर को हुए हैं, तो अपन यहाँ पे 21 प्लस डेज ऐड करके देख सकते हैं। यानी फ्रेंड्स अगर 8 नवंबर में 21 ऐड किया जाए तो 29 होते हैं, और अगर 25 को ऐड किया जाए तो नवंबर से एक दो दिन ज़्यादा होते हैं, यानी दिसंबर में पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं आसानी से कि जो रिजल्ट जो आने वाला है इस बैच का वो या तो एंड ऑफ नवंबर के वीक में आएगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आने वाला है। तो फ्रेंड्स अपन एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है अभी, तो जैसे ही अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम आपको सबसे पहले देंगे। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एयरफोर्स नेवी डिफेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी आपको सबसे पहले मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।